जिस तरह से पूर्णिया दौरे के दौरान अमित शाह ने अपने आधे घंटे के भाषण के दौरान 22 बार लालू और नीतीश जी के नाम को लिया, उन्होंने क्या लगता है कि उनको ये समझ में आ गया है कि अगर ये दोनों अब मिल गए हैं तो बीजेपी का राजनीतिक जो जमीन है खिसक जाएगा, और कहीं ना कहीं यही छटपटाहट है कि वो लगातार जंगल राज की बात कर रहे हैं। आप काउंटिंग करने में गलती करती हैं जी, हर मिनट में एक बार नीतीश कुमार और लालू जी का नाम लिया, उनको एकदम से बेचैनी हो गई है अमित शाह जी को। पूर्णिया के भाषण में भाषण देने के लिए नहीं आए थे, केवल नीतीश कुमार और लालू यादव के खिलाफ बोलने के लिए आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज, मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी अभी बिहार के दो दिवसीय दौरे से वापस लौटे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बिहार की राजनीति और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आरएडी न्यूज में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, ये बताएं कि जिस तरह से अभी कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, खास करके तेजस्वी यादव जी को लेकर के, कि अमित शाह ने IRCTC घोटाले में उन्हें जानबूझकर फंसाया था। ललन सिंह ने अभी आज ही इसका खुलासा किया है अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी हमेशा अपने विपक्ष को तरह तरह से प्रताड़ित करने का काम करती है, और विपक्ष के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में की खूबसूरती है विपक्ष, और विपक्ष को आदमी रखने देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष को समाप्त करना चाहती है या बदनाम करना चाहती है, और वो गलत तरीके से करना चाहती है। तो ये तो पूर्ण रूप से सर्वविदित है कि तेजस्वी यादव जी को जब मुछ नहीं हुआ, दाढ़ी नहीं हुआ, उसी समय इनको केसों में फंसाया जा रहा है। अब अभी हाल के दिनों में जिस दिन सरकार बनी उसी दिन उसी आसपास बिहार में कई जगहों पर CBI का छापा पड़ा और एक न्यूज चली देश भर में सूत्रों के हवाले कि तेजस्वी यादव के मॉल पर छापा। ये बेईमान लोग हैं और इनको बताना चाहिए कि तेजस्वी यादव का कहां मॉल है। यह अब तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन चरित्र हनन तो तेजस्वी यादव का हो गया। इस सब के पीछे मूल में यह है कि तेजस्वी यादव जी के राजनीतिक बढ़ते राजनीतिक कद से भाजपा बौखला गई है, घबरा गई है आज के तारीख में। सर, जिस तरह से बिहार में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, नीतीश जी जो है बीजेपी का साथ छोड़कर के वहाँ गठबंधन के साथ आ गए, इसका कहना है कि बहुत बड़ा संदेश गया है, लेकिन जो केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं वो कहते हैं कि बिहार में तो जंगल राज है, लेकिन डरिए नहीं क्योंकि ऊपर हम बैठे हुए हैं। अमित शाह जी किसको डराना चाहते हैं? अब उनके पास डराने के लिए कोई बचा नहीं है, और तेजस्वी यादव जी का जो स्टेप रहा वो स्टेप देश भर के विपक्षी लोगों के लिए एक वो क्या वो लाइफ सेविंग मेडिसिन के रूप में काम कर रहा है। हम लाइफ सेविंग मेडिसिन करते हैं तेजस्वी यादव का कदम, और इसीलिए कहा कि पूरे देश भर में तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक कद है वो बढ़ गया। चूंकि तेजस्वी यादव ने पकड़ लिया,
कि अगर अभी हम पहले बीजेपी को नहीं खत्म करेंगे तो फिर देश में विपक्षियों का उत्थान नहीं बचेगा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना कर्म चला रही थी। और अगर नीतीश कुमार नहीं छोड़ते बीजेपी को तो नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाती। जिस तरीके से अब तक बीजेपी करते आई है, क्या हुआ? बीजेपी का तीन है, साम दाम दंड। पहले वो दाम लगाती है, भय दिखाती है और तब अपने जो उनके ये ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, उसके सहारे ऊपर चढ़ाई करती है। और जो लोग भी उसके यहाँ चला जाता है बीजेपी में, वो सब वाशिंग मशीन में धूल के भी बाहर करता है। तो बीजेपी का अगर उड़ा जाते नीतीश कुमार जी उसके साथ, इनकी पार्टी खत्म हो जाती है अब तक, और ये फिर कहीं के नहीं रहते। तो घबरा करके सही समय पर नीतीश कुमार जी ने भी सही कदम उठाया और देश के राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव जी ने लालू यादव जी के सलाह पर कहा कि ठीक है, हम उप मुख्यमंत्री रहना पसंद करते हैं बड़ी पार्टी होते हुए भी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना तेजस्वी यादव जी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण अभी नहीं रहा। ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश के संविधान को बचाया जाए, डेमोक्रेसी को बचाया जाए और आतंकवाद से जो राजनीतिक आतंक फैलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उससे देश को बचाने के लिए नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री माना। जिस तरह से पूर्णिया दौरे के दौरान अमित शाह ने अपने आधे घंटे के भाषण के दौरान 22 बार लालू और नीतीश जी के नाम को लिया, उन्होंने क्या लगता है कि उनको ये समझ में आ गया है कि अगर ये दोनों अब मिल गए हैं तो बीजेपी का राजनीतिक जो जमीन है खिसक जाएगा और कहीं ना कहीं यही छटपटाहट है कि वो लगातार जंगल राज की बात कर रहे हैं। आप काउंटिंग करने में गलती कर दिए हैं जी। हर मिनट में एक बार नीतीश कुमार और लालू जी का नाम लिया है। उनको एकदम से बेचैनी हो गई है अमित शाह जी को। पूर्णिया के भाषण में भाषण देने के लिए नहीं आए थे, केवल नीतीश कुमार और लालू यादव के खिलाफ बोलने के लिए आए थे। हम पूछना चाहते हैं जो मन की बात करते हैं उनसे, क्या काम की भी बात कभी कीजिएगा? काम की बात तो करते नहीं है। आज जिनको ये भेजे बिहार और देश के बेरोजगारी के बारे में, क्या एक शब्द अमित शाह ने कहा पूर्णिया के भाषण में या किशनगंज में? किसानों के बारे में एक शब्द कहा का कि सुखाड़ दहाड़ के बारे में कुछ एक शब्द भी कहा क्या? शिक्षा व्यवस्था के बारे में कोई एक शब्द भी बोला क्या? कैसे इनको मदद दी जा सकती है, कैसे बढ़ाया जा सकता है? एक शब्द भी दलित आदिवासियों के आरक्षण के बारे में क्या एक शब्द कहा उन्होंने? एक शब्द भी उन्होंने गरीब किसान मजदूरों की बात नहीं किया, अल्पसंख्यकों की बात नहीं किया। केवल और केवल उन्होंने कहा नीतीश कुमार और लालू यादव के नाम ले लेके। अब क्या बोलते थे कोई बहुत जो बैठे, एक तो ये पूर्ण रूप से फ्लॉप सभा थी, इसको कहेंगे पूर्ण रूप से फ्लॉप सभा। जो सभा हुई कुर्सी लगा के संतूर दूर पर संख्या दिखाई गई है, आप देख लीजिएगा। और बार बार ये भाड़े पर लाए हुए लोग थे, बार बार कह रहे थे जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसका मतलब क्या था? जो भाषण सुनने आए थे सब लोग उदासीन थे, इनकी बातों में कोई रुचि नहीं है, कोई ताली नहीं बजा रहा था। वो कहता जोर से ताली बजाओ, हाथ उठा के करो, जो कोई कर नहीं रहा था। मतलब अब क्या करेगा, लोगों का आ गया है भाई, अब गृह मंत्री हैं, बोल रहे हैं जोर से बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठाओ। मैंने केवल यही बोलते रह गए और कहीं कोई विकास की बात, डेवलपमेंट की बात नहीं किया उन्होंने।
केवल और केवल अपनी बात कहे, धमकाने डराने की बात कहा उन्होंने, और इस सब के पीछे था कि बहुत ही डरे हुए हैं, बेचैन। देखिए उनकी आवाज़ को सुनिए, लग रहा था जैसे हार्ट न फेल कर जाए उनका। अब देखिए जिस तरह से खींच के तेज बात कर रहे थे और गला उनका फंस रहा था, वो हार्ट फेल कर जाता उस तरह से। तो हम तो ये सलाह देंगे कि भाई अमित शाह जी, धैर्य से शांतिपूर्ण बात कीजिए, उम्र हो गई है आपकी, हृदय गति रुकने की संभावना इस परिस्थिति में रहती है, इसलिए अपने आप को हृदय गति आने से बचाइए। आपका ऑपरेशन हो चुका है मोटापा घटाने वाला, ये सब अभी आप एकदम योगा वाले नहीं हैं, इसलिए जरा संभल संभल के चलिए। कहा जा रहा है सब कि ये ध्रुवीकरण की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, तो आप क्या कहेंगे, मतलब क्या बीजेपी ध्रुवीकरण की बदौलत 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है? देखिए बीजेपी का हिंदू मुस्लिम कार्ड फेल कर दिया है, अब उत्सव नहीं होने वाला है, अब बिहार में तो और नहीं होने वाला है ध्रुवीकरण। लाख कोशिश कर लें, अब हिंदू मुस्लिम कार्ड इनका नहीं। अब पेट की बात करें वो तब भले, मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान और ये जो तनाव पैदा करना चाहते हैं ये इनका ध्रुवीकरण नहीं होने वाला है। वो दिन में स्वप्न देख रहे हैं वो लोग। जी 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 सर, एक चीज बताएं कि जिस तरह से अभी महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मीडिया में लगातार खबरें आ रही है कि क्राइम काफी बढ़ गया, क्राइम रेट जो है बिहार का काफी बढ़ गया, जो बीजेपी के नेता हैं वो जंगल राज की बात कर रहे हैं, सुपौल की घटना हुई, बेगूसराय की घटना हुई, तो क्या आपको ये लगता है कि जो क्राइम का रेट जिस तरह से बढ़ा है ये प्लांटेड है, या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए क्राइम रेट जो है वो तो सबसे अच्छा जो होम मिनिस्ट्री का किताब है नेशनल क्राइम ब्यूरो बुक, उसमें छपता है, उसमें देख लीजिए बिहार के क्राइम का आकलन। लेकिन हाँ, मीडिया इनके हाथ में है, जो देश की मुख्य मीडिया है, जिसके द्वारा ये लोग हल्ला करवा रहे हैं कि बिहार जंगल राज है। कहाँ जंगल राज है, यहाँ जंगल राज है, यहाँ तो मंगल राज है, यहाँ जंगल राज काम करने वालों का राज है, ये भूल गए हैं वो, इसी से उनकी बेचैनी हो रही है और साजिश भी लोग रच रहे हैं, महागठबंधन की सरकार के खिलाफ साजिश भी रच रहे हैं। बेगूसराय में जो लड़का मोटरसाइकिल से फायरिंग करते हुए गया, कौन सा लड़का है, उसके परिवार का क्या कनेक्शन है, किससे कनेक्शन है, आगे आने वाले दिनों में इसका भी खुलासा हो जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा। और वो लोग बात करते हैं जंगल राज। अमित शाह जी ने लालू यादव जी को सावधान किया कि नीतीश जी से सावधान रहिएगा, ये पीठ में खंजर घोंपने वाले हैं, क्या कहेंगे? वो यही सब ना बोलेंगे और क्या बोलेंगे, सावधान करेंगे, हमको दोनों की दूरी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बीजेपी आरजेडी के बीच में जंगल राज बोलेंगे, इसलिए कि उनके पास ना कुछ बोलने के लिए है ना करने के लिए है, कहाँ है। जी जी जी, जिस तरह से आपकी पार्टी और आप लोगों ने फैसले लिए हैं, नीतीश जी को साथ लिया है, एक संदेश देश में दिए हैं कि मतलब हम लोग इतने विरोधी होने के बाद भी साथ आए, अलग अलग चुनाव लड़े, फिर साथ आए हैं आप लोग, क्या आप लोग के साथ आने के बाद 2024 का लोकसभा जो चुनाव होगा वो बीजेपी के जो ताबूत कहते हैं कि उसमें अंतिम कील साबित होगा क्या मोदी सरकार के लिए? मोदी सरकार के लिए बिहार से तेजस्वी यादव ने उनके ताबूत में तो कील ठोक दिया, और कील ठोका ही नहीं, उस दिशा में बहुत तेजी से उनको दर्द अब हो गया है शुरू, उस दर्द का परिणाम है अमित शाह का प्रोग्राम, और फिर एक कील ठोका रहा है अभी, कल आज शाम को लेके गए हैं लालू जी नीतीश जी को मिलाने के लिए सोनिया गांधी से, सोनिया गांधी के यहाँ नीतीश कुमार जी को लेके गए हैं मिलाने के लिए, कल जाने वाले हैं लोग हरियाणा में, वहाँ
चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पर एक दृष्टान हो रहा है सब जगह पर। ये किस बात का प्रतीक है? वो ताबूत में और वो दिन किल धसाने का प्रतीक है कि अगर ये कबड़े नहीं, ये है ताबूत में किल ठोकने का। क्या आप लोगों ने कुछ आकलन किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ सीटें आएगी और या बीजेपी को हम इतने सीटों पे सीमेंट देंगे? हम ही तो नहीं कह सकते हैं कि कितना सीट आएगा, कितना परसेंटिंग है, लेकिन एक बात कह सकते हैं कि 2024 में जो वर्तमान सरकार है वो नहीं रहेगी। तो सुना है आपने, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी जी को, जिनका दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी के तमाम नेता इसको लेकर दावे कर रहे हों कि फिर से मोदी, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि लालू और नीतीश एक हो गए हैं और अभी से मैदान में उतर गए हैं, लिहाजा परिणाम कुछ चौंकाने वाला होगा और कम से कम मोदी सरकार सत्ता में नहीं होगी। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज, पटना।